किसी इंसान को अगर ख्वाब में भी सांप नजर आए तो उसके पसीने छूट जाते हैं, और हकीकत में सांप से सामना हो जाए तो इंसान अपने होशो हवास ही खो बैठता है। लेकिन बिजौलिया कस्बे के 80 वर्षीय कन्हैयालाल गौड़ के लिए खतरनाक जहरीले सांप महज खिलौने हैं। पिछले 40 सालों से सांप पकड़ने का काम कर रहे कन्हैयालाल के लिए सांप पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। अब तक ये 3000 से ज्यादा खतरनाक किस्म के सांप पकड़कर जंगल में छोड़ चुके हैं। खास बात यह है कि कन्हैयालाल बिना किसी औजार या लकड़ी के सीधे हाथों से ही सांपों को पकड़ते हैं। बिजौलिया कस्बे और आसपास के क्षेत्र में किसी के भी यहाँ सांप निकल आए तो इनको बुलाया जाता है। चाहे दिन हो या रात, कड़ाके की सर्दी हो या फिर बरसती बारिश, सांप पकड़ने के लिए कन्हैयालाल लोगों के साथ चल देते हैं। कन्हैयालाल गौड़ का दावा है कि सांप पकड़ना सिर्फ एक कला है और वो इसके लिए किसी जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल नहीं करते। 80 साल की उम्र में भी कन्हैयालाल सांप पकड़ने में जवानों जैसी फूर्ती दिखाते हैं। उनके बाद सांप पकड़ने की ये कला जीवित रहे, इसके लिए कन्हैयालाल ने कस्बे के युवक दुर्गा शंकर लुहार को अपना शागिर्द बनाकर उसको भी इस कला में माहिर कर दिया है। सांप अगर जरूरत से ज्यादा खतरनाक हो तो मौका आने पर दोनों गुरु चेले मिलकर सांप पकड़ते हैं। 40 साल से मैं इन सांपों को पकड़ रहा हूँ और बड़े बड़े सांपों को पकड़ा है मैंने। एक साथ में तीन तीन चार चार सांपों को पकड़ा है और इतने सांप पकड़े हैं, कम से कम 3-4 हजार सांपों को मैंने आस पास के इलाके से, अपने गाँव बिजुनिया से बहुत से सांप पकड़े हैं। और अब तक भी कोई इमरजेंसी में कोई आ जाता है मेरे पास में तो फिर अभी मैं भी पकड़ने जाता हूँ, तो हाथ से पकड़ता हूँ। कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई सिद्धियाँ पिद्धियाँ नहीं है, केवल इस सांप को विश्वास दिलाना जरूरी होता है। जब ये विश्वास में आ जाता है कि भाई मेरे को मारेंगे नहीं, तो फिर ये मतलब अपने आप जो है तो साइलेंट हो जाता है। और जनता टाइम्स न्यूज के लिए बिजौलिया से जगदीश सोनी की रिपोर्ट।